गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। जल्दी 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 लाइव हो जाओ, शेयर कर दो सबको, फटाफट शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो। जल्दी जल्दी बुलाओ सबको। गुड इवनिंग प्राची, देखो मुझे ठीक है, आपके कमेंट्स अच्छे हैं ठीक है, लेकिन मुझे तब अच्छा लगेगा, मुझे तब ये लगेगा कि आप मेरा पूरा सम्मान करते हो जब आप मेरे द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए टास्कों को पूरा नहीं करते हो तो हम समझ लेंगे कि आप मेरा कोई सम्मान नहीं करते हो, मैं आपके लिए एक आम टीचर ही बन के रह जाऊंगा। मेरा आपके प्रति समर्पण तभी अच्छा लगेगा जब आप भी अपने कोर्स के प्रति समर्पित हो जाओ। बेटा ये मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट दो, सब कुछ करो, वो तो खुद ब खुद आएगा। जब आप ज्ञान लाओगे अपने अंदर तो वो खुद ब खुद आएगा। मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे ऊंचाइयों पर जाए, इतनी ऊंचाइयों पर जहां मुझे तुमसे मिलने के लिए निगाह उठा के बातें करनी पड़े और तुम्हें निगाहें झुका कर बातें करनी पड़े। अगर समझ गए हो इसका मतलब तो मेरे बच्चों आप मेरी आकांक्षाओं को भी समझ रहे होंगे। बेटा आपस में पहली चीज बातें बंद करो, ठीक है। आज ऑफलाइन क्लास में कुछ टेस्ट हुए, मैं काफी निराश हूं आप लोगों के टेस्ट से, मुझे अच्छा नहीं लगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें, हालांकि कुछ लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है और ना वो कमेंट्स कर रहे हैं ना पूछ रहे हैं, फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आपको पढ़ना इतना बुरा क्यों लगता है? बेटा आपका यही काम है इस उम्र में, बाकी कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूं कि आप बेटर करें, बेटर से भी बेटर करें, जो कोई नहीं कर सका आप वो करें। और आप हैं क्या, आप उसी गलियों में वापस लौट जाना चाहते हैं? छोड़ आइए, कुछ नहीं है वहां। तो चलिए कुछ चीजें हैं, कुछ टिप्स मैं आपको फिर से देता हूं। जैसे आज प्रतिबिंब बनाने के नियम बहुत ही कम बच्चे बता पाए। देखो लेंस और दर्पण में भिन्नता है, आज मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं न्यूमेरिकल बताने से पहले। आप जैसे केमिस्ट्री में आप हिंदी में लिखें या ना लिखें, लेकिन आपको रिएक्शन लिखना जरूरी होता है। उसी तरीके से फिजिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप चाहे वैल्यू लिखें या ना लिखें, हिंदी में लिखें या ना लिखें। सभी को गुड इवनिंग। लेकिन आप फिगर जरूर दें। मैंने आपको समझाया था कि बेटा अगर फिगर नहीं दोगे तो आपका क्वेश्चन दो कौड़े का हो जाएगा। आप कितना भी बड़ा आंसर लिखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिजिक्स की 90% जो भी थ्योरीज हैं वो फिगर्स पर डिपेंड है। तो प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है वो दर्पण के लिए अलग है, और मोस्टली जो लिखे भी थे वो दर्पण के लिए लिख डाले। दर्पण के तीन रूल हैं। अगर उत्तल दर्पण पर उसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है और इससे प्रकाश की किरण चलती है तो समानांतर किरण खींचनी है आपको। पहली किरण समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी।
इस तरीके से। और अगर दर्पण हमारा उत्तल है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इतना मुड़ जाती हैं जैसे वो फोकस से आ रही हो। तो आपको क्या करना होता है, समांतर किरण बनाई और यहां से जहां वो टच कर रही है यहां से डॉटेड इसको मिला लेना होता है और इसको वापस बढ़ा देना होता है। ये पैरा रूल है, ठीक है, ये समझ में आया आपको, हां या ना? हर टॉपिक प्रश्न और उत्तर से चलेगा, बोलो हां या ना, जवाब दो। दर्पण बनाने के तीन नियम हैं हमारे पास। पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी है और मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है, ये सी है ये एफ है, तो वो जिस मार्ग से आई होती है उसी मार्ग से लौट जाती है, ठीक है। अब अवतल में क्या करोगे, उत्तल में प्रकाशिक केंद्र दूसरी ओर होता है, ये है सी ये है एफ। तो अगर कोई किरण ऐसे आ रही है कि अगर दर्पण ना होता तो सीधी वक्रता केंद्र से होकर जाती तो ये इसी मार्ग से लौट जाती है, ये दूसरा रूल है। दोनों को देखते रहो, ठीक है, ये क्लियर हुआ, बताओ मुझे। अभी ये दर्पण चल रहा है, अभी लेंस नहीं चल रहा है, कोई संदेह हो तो आप बताओ, मैं इसे फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब तीसरा रूल देखते हैं, टेस्ट इसीलिए होते हैं, आपको डराने के लिए नहीं होते, आप उससे भागते हो। जब आप टेस्टों से भाग, अच्छा फिर से बताएं, देखो हमारे पास तीन रूल हैं। पहला है अगर कोई प्रकाश की किरण किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण माने तवे जैसा दर्पण, अवतल दर्पण माने जिसकी पेंदी तवे जैसी हो, जिधर आग लगती है उधर पॉलिश किया जाए और जिधर रोटी पड़ती है वो परावर्तक तल हो, वो चिकना तल हो, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आ रही तो आप मुख्य अक्ष के समांतर ले आओ और यहां पर इसका जो फोकस होगा टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और अगर ये दर्पण अगर दर्पण उत्तल है तो इसका फोकस तो दूसरी ओर होगा, इस ओर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इतना घूमेगी जैसे यहां से आ रही हो। तो इसको क्या करते हैं, यहां से डॉटेड मिलाते हैं, पटरी यहां लगाएंगे और उसके बाद इसे बाहर की ओर मोड़ देंगे। यह हो गया फर्स्ट रूल, ठीक है। दूसरा है हमारा, अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र से जा रहे, उसके वक्रता केंद्र से जा रही है, ये सी है ये एफ है, तो वो जिस रास्ते से गई रहती है टकराकर वहीं वापस लौट जाती, क्योंकि ये 90 डिग्री पर, यहां पर अगर स्पर्शी खींची जाए तो इस स्पर्शी पे 90 डिग्री पे आ रही, तो जिस मार्ग से आई होती है उसी से लौट जाती है। और अगर ये दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण के सामने कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है कि ये दर्पण से टकराने के पश्चात अगर दर्पण ना होता तो इसके ये प्रकाशिक मुख्य अक्ष इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती ऐसे, तो यह प्रकाश की किरण यही दर्पण से टकराने के बाद जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाएगी, ठीक है। और जो तीसरा है,
थर्ड लॉ जो हमारा है वो बताता है कि अगर कोई अवतल दर्पण है तो इस अवतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अगर इसके फोकस से होकर जा रही है, इसके फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तित होकर के। और यहां पर भी है, उत्तल दर्पण में भी है कि अगर कोई वस्तु इस तरीके से जा रही है कि लेंस से टकराने, दर्पण से टकराने के पश्चात वो उसके फोकस से होकर जाती, कहां से जाती है, फोकस से, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीन लॉ है, ठीक है। अब इसमें कोई संदेह हो तो आप हमें बताओ। ये पूरा समझ गए। चलो अब प्रतिबिंब बनाने के नियम हम लेंस के लिए देखते हैं। इन्हीं तीन नियमों के सहारे सारे प्रतिबिंब बनते हैं, चाहे जिसको बनाना हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु कहीं पर भी रखी हो। अब जैसे हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। मान लो उसने कहा, प्रश्न में कहा कि एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, और कहां पर रखी है, उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहां पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाओ, कहां बनेगा, ठीक है। आप दो मिनट, एक मिनट का समय लो। अमित, क्या समझ में नहीं आया, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम है बेटा। अब देखो, ये दर्पण के सामने आपकी वस्तु रखी है, पहली किरण आपको क्या करनी है, जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट यहां पे नाप लेनी है, और पटरी को यहां और यहां रख करके, ठीक है। एक मिनट, हम पटरी ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, पटरी को आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। यहां पहले मेजर कर लिए कि यह कितना बड़ा है, आप उतना ही बड़ा यहां नाप लेंगे। नापने के बाद आप पटरी को यहां और यहां यूज करेंगे, इसको खींच लिए इस तरीके से। फिर अब चूंकि ये यहां से जा रही है, अब आप फोकस से इसको मिलाएंगे, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब आप इसको ऐसे लेके चले जाएंगे, ये फोकस से जा रही है, ये पहले रूल को फॉलो करते हुए हमने बना लिया, ठीक है। पटरी हमारी कुछ ज्यादा बड़ी है, दूसरा फोकस से लेके जाएंगे, दूसरे रूल को फॉलो करेंगे, तो फोकस से लेके जाएंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। जहां इसने दर्पण को काटा, यहां से इसको नाप लेंगे। अब ये कितना है, ये लगभग इतना है। अब यहां पर कहीं पर इसको लगा करके ऐसे पॉइंट कर लेंगे, उसके बाद हम पटरी को यूं लगाएंगे, और यूं लगाने के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये इस तरीके से बन गया, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये किरण इधर से गई टकराई, फोकस से होकर आगे आई, दूसरी जो फोकस से गई टकराई और इस तरीके से आगे आई, और जहां पे ये किरणें आपस में मिली वहां पर ये बनेगा प्रतिबिंब। इतना समझ में आया। गुड इवनिंग प्रणव, गुड इवनिंग। अब ये इतनी चीजें आपकी समझ में आई। अब आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो प्रकृति कैसे बनाओगे, अब ये आपका रहा दर्पण, दर्पण के उस तरफ तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, आपका दिमाग कहता है कि दर्पण के उस तरफ प्रतिबिंब बनेगा नहीं। भाई दर्पण ने पीछे पॉलिश किया तो उस तरफ कहां से बन सकता है, अगर बन रहा है तो वो कल्पना है, और अगर इधर बन रहा है तो हकीकत है, तो हकीकत है तो लिखेंगे वास्तविक, और आपको सीधे दिख रहा है कि उल्टा है तो यह क्या होगा, उल्टा, और नाप में भी आपको बड़ा दिख रहा है तो यहां लिखेंगे वस्तु से बड़ा, और कहां बना, सी से दूर, सी से दूर, ये इसकी प्रकृति हो गई, ठीक है।
हाँ बिल्कुल सही है, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा। अब चलो एक और लेते हैं और आप लोग खुद से करके बताइए कि कहां बनेगा। वस्तु यफ व पी के बीच रखी है, चलो जल्दी से साक्षी, श्रेया, सौरभ, सभी लोग, जितने लोग ऑनलाइन हैं सभी लोग मुझे बताएं कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनने वाला है। ठीक है, तब तक मैं इंक का जुगाड़ कर लेता हूं। दर्पण के पीछे बेटा प्रकृति भी तो बताओ। किशन आभासी बिल्कुल सही जवाब है। और आभासी वस्तु से छोटा नहीं, सौरभ वस्तु से छोटा नहीं होगा, सीधा बनेगा, ये सही है, वस्तु से छोटा नहीं है। देखो हाँ सीधा होगा, सही है। देखो हम एक दर्पण लेते हैं, ये हमारा दर्पण है और इस दर्पण में ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के सामने ये मान लो इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है और वस्तु यहां पे रखी हुई है। ठीक है, तो अब हम अपना पटरी वाला काम करते हैं, कल से पटरी हम छोटी कर लेंगे भाई, बहुत बड़ी है लेकिन अच्छी है, इतने बड़े कागज के लिए इतनी बड़ी पटरी चाहिए भी। तो हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे, इसको नाप लिए यहां तक आ रहा है, हम यहां पे रखेंगे, इसको निशान लगा लेंगे और इधर भी फोकस बना लेंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। अब ये हम समांतर खींचेंगे, ये रही मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसे भेजना है कहां से, फोकस से जाएगी, यहां से और यहां से, अब इसे फोकस से भेजना है इस तरीके से, ये तो ऐसे चली गई। अब दूसरी इसमें से कोई ऐसी किरण छोटी गई जो इधर जा रही होगी लेकिन सीधान उसका सी से होगा, तो वो क्या होगा, वो इसमें 90 डिग्री पे जाएगी ऐसे। तो चलो भैया इसको ऐसे मिलाते हैं, ये जो किरण है ये किरण यहां से चली तो यहां से है लेकिन ये बिल्कुल सी के सीध में जा रही थी, तो ये टकराने के पश्चात यहीं से वापस लौटेगी इधर को। अब इधर तो फैल रही है, इधर तो बनने से रहा। आ बेटा सौम्या, ठीक है बढ़िया है, पढ़ो। अब इसको पीछे की ओर डॉटेड बढ़ाएंगे इस तरीके से और इसको भी बढ़ाएंगे, अब यहां पे जाके ये काट दिया, अब यहां पर पटरी रखेंगे और इस तरीके से प्रतिबिंब बनाएंगे, ये बन गया। अब बताओ समझने में कोई दिक्कत है, आभासी सीधा दर्पण के पीछे, हां बिल्कुल सही है, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई, अगर ये लेंस अवतल है तो ये कंडीशन है और अगर उत्तल होता है तो हमेशा इसका जो भी प्रतिबिंब, ठीक, अगर ये, अच्छी बात है आप सबको समझ में आ गया, अगर ये दर्पण उत्तल होता तब क्या होता, तो देखो उत्तल को भी देख लेते हैं, ये पॉलिश वाली सतह है,
ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है। वैसे इधर तो इसका फोकस होगा नहीं, इसका फोकस इधर होगा। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है सी, और यहां पर वस्तु रखी है। अब करना वही है आपको, इसको नापना है, और नापने के पश्चात अब ये इतना है तो यहां पे भी रखना है, इसको नाप के यहां निशान लगा लेना है, इसको यहां से मिलाना है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये जाएगी तो कहां से मुड़ेगी, ये ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आ रही, तो यहां पटरी लगाओ, यहां से यहां तक डॉटेड खींचो और इसको आगे बढ़ा दो इस तरीके से, मतलब ये इधर से आई और इधर को चली गई। ठीक है, दूसरा ऐसा लो जो यहां से जा रहा हो और प्रकाशिक केंद्र से जा रहा हो। ठीक है, तो ये जो चलेगी ये दर्पण से जाके टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौट जाएगी ऐसे, और इसको आगे डॉटेड बढ़ाओ इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों किरणें जहां काट रही हैं यहां बनेगा। ठीक है, तो इसमें सदैव ये पी है आपका, इसमें सदैव पी वाई एफ के बीच ही प्रतिबिंब बनता है, चाहे जहां रखा हो, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर। ठीक है, सदैव वस्तु से छोटा बनता है। आप देखें शीशे में, वो उत्तल दर्पण ही होता है, शीशे में आपने देखा होगा उत्तल दर्पण होता है, इतनी बड़ी बस ट्रक होती है, छोटे से शीशे में दिखाई देती है, इसीलिए वस्तु से छोटा बनता है। और जैसे जैसे गाड़ी हमारे पास आती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और आभासी होता है, सीधा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण हमेशा गाड़ियों में लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर करो, लेकिन आगे ये नहीं कहना कि सर समझ में नहीं आया, आज हमें इसको क्लियर करना है हर हाल में। आप सवाल कैसे करेंगे जब आप तक आपके दिमाग में फिगर क्लियर ही नहीं होगा, तो न्यूमेरिकल बेटा नहीं होना है। चार न्यूमेरिकल हम लगवा देंगे, आप कॉपी करके चाटू आप लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं लेंस, इसमें मैंने आपको रूल्स बताए और दो एग्जांपल्स बताए। इसके बाद अब हम लेते हैं प्रतिबिंब बनाने का नियम किसका है, लेंस का है। अब चूंकि यहां दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है, दोनों घटनाएं अलग अलग है। ठीक है, लेंस का जो पहला रूल है वो है तो सेम ही जैसे अभी आपने किया था कि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में ये इसका फोकस है और इधर इसका फोकस है, ये इसका 2F है और इधर इसका 2F है, और ये बीच में C है। ठीक है, अब मान लो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, तो भैया मुख्य अक्ष के समांतर बना लो, मुख्य अक्ष के समांतर ले आए, ये पहला नियम है। और कहां तक ले जाएंगे, दर्पण के लेंस के बीच तक। अब अपवर्तन के पश्चात ये कहां से जाने वाली है, ये फोकस से जाने वाली है, उसमें भी फोकस से जाती है, इसमें भी फोकस से जाती है, लेकिन उसमें बाईं ओर जाती है और इसमें दाईं ओर जाती है। ठीक है, अब लेते हैं अवतल लेंस। और ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया F, ये हो गया C, यहां हो गया F, यहां हो गया C। ठीक है, ये इसका मध्य भाग हो गया, C तो नहीं लिखना है, यहां 2F लिखना है और यहां 2F लिखना है, ये बीच में होगा C। अब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, आप इसको कुछ ऐसे खींचेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब ये क्या करता है, ये नीचे को मोड़ा था, ये ऊपर को मोड़ता है। इसकी गोलाई कैसे, ऐसे है, देखो ध्यान से देखो, इसकी गोलाई ऐसे है तो ये प्रकाश को भी नीचे मोड़ता है, और इसकी गोलाई कैसे, ऐसे ऊपर की ओर, देख रहे हो ऐसे, तो ये प्रकाश को भी ऊपर की ओर मोड़ता है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो, आपको खुद ब खुद हर चीज आएगी कि कौन ऊपर मुड़ेगा कौन नीचे मुड़ेगा। अब यहां पर ये ऊपर मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा, जैसे फोकस से जा रहा हो ये ऐसे मुड़ेगा। अब इसको यहां से मोड़िए ऐसे,
और पीछे डॉटेड मिला दीजिए। यह हुआ पहला रूल। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण, हां बेटा एग्जांपल अभी दे रहे हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उधर खड़े होकर देख रहे हो, यहां खड़े होकर देख रहे हो, यहां खड़े हो तुम, यहां खड़े हो, यहां पर खड़े होकर देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हें ये वाले, ये वाला फिगर यहां से अगर खड़े होकर के देख रहे हो तो कहां दिखाई देगा? तो ये जो लाइट, मान लो यहां कोई लाइट जल रही है जिसका प्रतिबिंब आप वहां पे देख पा रहे हो, तो आपको लगेगा कि लाइट यहां जल रही है और जो प्रकाश आ रहा है वो यहां से आ रहा है, ना कि वहां से आ रहा है। समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। समझ में आ गया? पहले लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरे लॉ में कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ओ सॉरी, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें जो फोकस से जा रही हैं अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चलो कॉन्सेप्ट से समझते हैं, ये इसका यफ है और ये इसका यफ है। अब देखो एक किरण हमारी कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है और कहां जाएगी? लेंस पर पड़ेगी। ऐसे अब कॉन्सेप्ट देखो, इसकी गोलाई किधर को है? यह ऐसे गोल हो रहा है, ऐसे। तो प्रकाश को किधर मोड़ेगा? चल बेटा तू भी इधर घूम जा। जब खुद ब खुद घुमा है तो वह प्रकाश को भी इधर घुमाएगा, क्योंकि इसकी गोलाई इधर को है तो प्रकाश भी इधर को घूमेगा। और कैसे घूमेगा इसको हम पहले नाप लें, ये लेंथ इतनी हुई तो हम यहां पर भी कहीं निशान लगा लेंगे इतने पे और पटरी लगाएंगे, और पटरी लगाने के बाद इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, अब चाहो तो ऐसे भी लेके चले जाओ, यहां गए और फिर यहां से आगे बढ़ा दो। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, अवतल में क्या होगा। अब यह हमारा अवतल लेंस है, यह हो गया एफ, ये टू एफ, इधर एफ, इधर 2f। अब यहां पर आप अगर कोई किरण इस तरीके से चल रही कि वो फोकस से जाए, ऐसे आगे जाएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। अब ये कैसा है? ये इधर को है ना, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, तो ये भी इसको भी कहेगा, प्रकाश को भी कहेगा, तिरछा जो है तो सीधा हो जाए। तो ये कहां से जाएगा? अब इसको नाप लेते हैं, ऐसे ऐसे नाप लेंगे और नापने के पश्चात यहां कहीं निशान लगा लेंगे ऐसे, और पटरी लगाएंगे, और पटरी लगाने के पश्चात इसको ऐसे खींच देंगे। अब ये हो गया। बताओ भाई इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, बोलो बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये कैसे जा रही थी? ये ऐसे सीधा जाती तो कहां से जाती? फोकस से जाती, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुड़ करके सीधी चली जाएगी, ठीक है। ये बीच में डॉटेड है। अब थर्ड ला देखो, अब तीसरा नियम जो है, अब मान लो ये हमारा लेंस है, इसको मिटा ले, थोड़ा सा क्लियर कर ले। अब तीसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण 2f से जा रही है
ये f हो गया, ये 2f हो गया, इधर f ले लिए, इधर 2f ले लिए। अब अगर कोई प्रकाश की किरण 2f से जा रही, मान लो यहां से जा रही, पटरी अब हमारी लगनी शुरू हो गई है, बढ़िया फिगर बनेगा यहां से, ओ सॉरी प्रकाशिक केंद्र से जा रही यहां से, तो यहां से जाएगी तो ये बिना रुके सीधे चली जाएगी ऐसे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, कोई बदलाव नहीं होगा, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी सीधी चली जाएंगी, और यही हाल अवतल में भी होगा। अब ये हमारा लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये एफ है, टू एफ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सी है, तो जो सी से जा रहा होगा वो सीधा चला जाएगा इस तरीके से। अब यही तीन नियम की पूंछ पकड़कर देखो, लेंस के मुख्य प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधी चली जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार गमन करती है कि वह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ठीक है, बताओ ये समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक, अब चलो इस पे एग्जांपल लेते हैं, इस पे एग्जांपल लेते हैं और प्रतिबिंब बनाते हैं। अब यहां कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स फैक्ट्स ये हैं। अमित क्या दिक्कत है बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पहला फैक्ट्स है कि यदि वस्तु अनंत पर है, माने अनंत का मतलब वहां स्पेस में नहीं है कि चंद्रमा से तुम टार्च जला रहे हो और पृथ्वी पे आ रहे, समझे? अनंत का मतलब यह नहीं कि तुम चंद्रमा से लाइट मार रहे हो यहां आ रही है, अनंत का मतलब है लेंस से काफी दूर, मतलब 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर दूर अगर है तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होती है, इसे हमेशा याद करना है। ठीक है, अगर सवाल में यह कहता है कि वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं, और अगर समानांतर आएंगी तो वो कितना मुड़ेंगी, वो फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, एक आध और किरण ले लो तो ये कितना मुड़ेगी, यहां से जाएगी। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जहां ये जितना टेढ़ा है वहां प्रकाश को उतना ही टेढ़ा करता है, जहां कम टेढ़ा है वहां बिल्कुल टेढ़ा नहीं करता। देखो यहां बीच में टेढ़ा नहीं होगा, जब जैसे फूली हुई रोटी सोचो तो बीच में तो सीधा है, ऊपर की ओर झुका हुआ है, तो जितना झुका होगा उतना ही ज्यादा झुकाएगा और जितना कम झुका होगा उतना ही कम झुकाएगा, इस लेंस की यही खासियत है। तो अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, और बिंदुवत बनेगा, माने छोटा सा बनेगा, आपको दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल लाइट का एक बिंदु बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कभी कभी कहता है कि वस्तु लेंस के सामने ऐसे स्थान पर रखी है कि अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं, तो वस्तु कहां रखी है, फोकस पर। वो भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है ना, डायरेक्ट नहीं कहता कि वस्तु फोकस पर रखी है, वो क्वेश्चन में कह देता है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हां बेटा सचिन सही है, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, फोकस पर रखी है। ठीक है,
थोड़ा सा लाइट चली गई थी, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, बस 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 सही है सब, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स लेते हैं, आपको ये फैक्ट्स हमेशा आपको याद रखने हैं कि अगर अपवर्तन के पश्चात समांतर हो रही तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब वस्तु को फोकस पर रखा है, और अगर समांतर आ रही हैं तो वस्तु को अनंत पर रखा है, ठीक है। अब ये इसमें हम लेते हैं कि माना वस्तु कहां कहां रखी है, अब जैसे वस्तु 2F पर रखी है तो हम दोनों से लेते हैं, पहले उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस सॉरी, ये F हो गया, ये 2F हो गया, इधर ये F हो गया, ये 2F हो गया। अब बस तो 2F पर रखी है तो रख दो, 2F पर कौन रोका है। अब भाई पटरी लगाते हैं, पहला रूल फॉलो करेंगे, पहले वस्तु को नाप लेंगे कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, देख रहे हो, पहले वस्तु को नाप लेंगे, नापने के बाद लेंस के बीच में ले जाएंगे जहां इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, यहां से इसको नाप लेंगे, यहां निशान लगा लिए, अब पटरी को यहां से यहां लगाएंगे, सीधा इसको मिला देंगे। अब यहां से क्या करना है, ये तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, पहला रूल फॉलो कर रहे हैं, पहला रूल याद करिए। अब इसको फोकस से गुजारेंगे, चल भैया फोकस से गुजर जा, देखो मैंने काफी कुछ चीजें यहां नापी नहीं है, ये फोकस से चली गई। अब इसमें दूसरा नहीं, डायरेक्ट तीसरा लगा सकते हैं या दूसरा लगा सकते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और तीसरा क्या कहता है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधी चली जाएगी। तो अब चाहे दूसरा लगा लो चाहे तीसरा लगा लो, दोनों में से सिर्फ एक नियम लगा लो आपका काम हो जाएगा, या तीनों लगा लो, ठीक है। अब अगर आप फोकस वाला रूल पकड़ते हो तो पहले फोकस पर ले जाओ, जे गई, अब इसको नाप लो, इसको यहां नाप लिए, इसको यहां नाप लिए, निशान लगा लो, अब इसको ऐसे पटरी लगाओ और इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये चचा वाला आ गया, चचा ने इसी इसी कॉन्सेप्ट का लिया था, ये 2F फिर यहां नहीं यहां होगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2F पर बनेगा, 2F पर रखिए तो 2F पर बनेगा। न्यूटन चचा ने यही तो लिया था, इसे एफ डैश, इसे एक्स डैश, इसे एक्स ओ सॉरी इसे एफ डैश, इसे एक्स डैश, इसे एक्स ओ एफ और इसे एक्स, ठीक है। और अगर तीसरा लेना चाहो, तीसरा नियम, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारो, देखो ये भी वहीं से जाएगी, इसको यहां से मिला दो। दो रेखाओं का काटना जरूरी होता है, कोई दो रेखाएं काटे बस, यहां पे तो तीनों काट रही है ना जाकर के, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। इसमें किसी को प्रॉब्लम, मेरे शेरों बोला करो, तुम लोग तो फालतू के कमेंट तो खूब कर लेते हो। ठीक, अब देखो अगर अवतल आता है हमारा, अब यही चीज अगर अवतल के लिए कहता है तो क्या होगा, ये हमारा अवतल लेंस है, अरे बहुत बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा लेंस, चलो ठीक है, ये इसका सी हो गया, ये इसका एफ हुआ, ये 2F हुआ, इधर एफ हो गया, इधर 2F हो गया। अब वस्तु यहां रखी है, अब पहला काम क्या है, पटरी उठाओ, इसको नापो। देखो हर काम लिखा पढ़ी के साथ होता है, अब यहां पे निशान लगाओ, ये हो गया। ऐसे ऐसे चित्र बनाते हो ना कि देख के कभी कभी खीज आती है कि मैं अपना सिर पीटूं कि तुम्हारा। अब इसको यहां से मिलाओ, ये मिल गया। अब इसका रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अब ये क्या है, ये इधर को मुड़ा है, तो ये कहेगा ऊपर मुड़ेगा, तो कहां से मोड़े, कितना मोड़े, तो भैया ये अब से मोड़ो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को पटरी से लगाओ। अब इधर वाला तो डॉटेड बनाना है आपको, यहां से लेंस तक आपको डॉटेड बनाना है और लेंस के ऊपर सीधा लेके जाना है, कंप्लीट खींचना है इधर, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारना है आपको, यहां से रखिए, या फिर आप फोकस से लेके जाओगे तो फोकस से लेके जाओगे तो क्या होगा, फिर लौटेगी, तो आप प्रकाशिक केंद्र से लेके जाओ सीधा ऐसे, तीसरा रूल लगाओ, अब प्रकाशिक केंद्र से ऐसे लेके चले गए तो ये सीधा चली जाएगी इस तरीके से, तो यहां पे दोनों ने क्रॉस किया तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा।
जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में हमेशा एफ व सी के बीच बनता है, उसमें भी यही था, उसमें इधर बन रहा था, इसमें इधर बनता है, इसमें सीधा बनता है। अब हमारा दिमाग ये कहता है कि ये तो कांच का है तो इधर कहां से चित्र बनेगा, चित्र तो उधर बनना चाहिए क्योंकि पार हो गया। तो जब पार हो गया तो इसका मतलब है कि इधर बन रहा है तो कल्पना है, तो कल्पना है तो माने आभासी है। उसके बाद आप देख ही रहे हो वस्तु से छोटा है, और बन कहां रहे हैं, सी वाई एफ के बीच, वो तो पहले से ही आपने लिख रखा है। हां बेटा, बस दो नियम बहुत है, तीसरे की जरूरत ही नहीं, कोई दो लगा लो, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, कोई दो रूल लगा लो, कोई दो रूल लगा लो, आपके सारे के सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। आप टॉपिक दो, कहां रखें वस्तु को, आप बताओ, आपके दिल में जो हो, अनंत पर, टू एफ से दूर, टू एफ एफ के बीच, एफ सी के बीच, आप चाहे जो बताओ, मेरे पास वही तीन नियम है, मैं उन्हीं तीन नियमों के सहारे सारे फिगर बनाऊंगा। आप कोई भी रूल, कोई भी, मुझे कमेंट करो आप कहां देखना चाहते हो कि वस्तु यहां रखी है, मैं तुरंत बनाता हूं उसका फिगर। आपको जिसमें संदेह हो कि इसका कैसे बनेगा, आप मुझे टॉपिक दो, मैं बताता हूं। एफ पर, चलो एफ पर बताते हैं। अब मान लो ये उत्तल लेंस है हमारा, बेटा हमें नहीं पता होता कि कहां बनेगा फिगर, हम तो नियमों की पूछ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सी हो गया। अब ये एफ हो गया, ये टू एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये टू एफ हो गया। अब एफ पर वस्तु रखी है, चलो रख दिया हमने एफ पर, तो पहला रूल, पटरी उठाना है, इसको नापना है और उतने यहां पे नापना है, निशान लग गया, उसके बाद इसको सीधा किए, इस तरीके से ले गए। अब फोकस कहीं पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो भैया हम इसको फोकस से गुजार दिए, बात खत्म हो गई। अब दूसरा रूल, अगर ये फोकस से तो जा नहीं सकती इसकी कोई भी किरण, क्योंकि ये तो खुद ही फोकस पर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सी से लेके चलेंगे, और जब सी से लेके चलेंगे तो इस तरीके से जाएगा ये। अब जाने तो जहां तक जा रहा है, जहां काटेगा बेटा वहीं ले जाके इसको मिलाएंगे। अब ये देखो तिरछा हो गया, ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, तो इसको आगे बढ़ा लेंगे, अब ये यहां बन रहा है। हमें नियमों की पूछ, टू एफ और एफ के बीच, हाँ ठीक है बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं टू एफ और एफ के बीच रखा हो। अब अगर ये लेंस उत्तल अवतल होगा तो इस अवतल लेंस में भी देख लो। अब अगर ये एफ पर, ये इसका एफ है, ये टू एफ है, ये सी है, ये एफ है, ये टू एफ है। अब वस्तु एफ पर आपने रख दी तो रख दो भैया, रोका किसने है, चाहे जहां रखो। अब पटरी का काम, इसे नापा, इसे नापा, ठीक है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हो तो ध्यान दो, गोलाई इधर को है, ये तो तिरछी हो गई भाई, हमारी नाप गलत हो रही है ऐसे। अब ये इसको कितना मोड़ना है, फोकस पे लगाओ पटरी ऐसे। अब यहां से डॉटेड चलो ऐसे, ये चली गई। अब आप दूसरी यहां से चलेगी, वो सी से होकर जाएगी। ओफो गलत हो गया, दूसरी जो यहां से चलेगी वो सी से होकर जाएगी, मतलब उसे इस तरीके से गुजारना है, ठीक है। अब दोनों किरणें कहां काट रही है, यहां काट रही है डॉटेड वाली, ये डॉटेड वाली के साथ यहां पे काट रहा है, ध्यान दीजिए। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि यह हमेशा एफ व सी के बीच बनेगा, ठीक है। एक कमेंट और आया है, टू एफ और एफ के बीच, तो चलो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण निकलता है, ये एफ हुआ, ये टू एफ हुआ, इधर एफ है, इधर टू एफ है।
अब बस तू टू एफ और एफ के बीच में रखिए, तो यहां रख दो, ये सी हो गया। अब नापो, इसको मिलाओ, ये यहां आ गया। अब इसको यफ से ले जाओ। भाई करना क्या, वही तीन रूल पकड़ने हैं, चाहे जहां से जा रही हम रोक थोड़ी सकते हैं, जाओ जहां से जाना है। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से मिलाओ या यफ से लेके आओ, तो यफ से लेके आओगे तो यहां आएगी और फिर यहां से समांतर करना है, या फिर इसे सी से लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ। हम थोड़ी रोक सकते हैं कि यहां से मत जाओ वहां से मत जाओ, उसे जहां से जाना होगा वो जाएगी वहीं से। ये बन गया। पहला रूल, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो फोकस से होकर जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र की सीध में जा रही होगी वो सीधे चली जाएगी, और जो फोकस से होकर जाएगी, देखो इसी में तीसरा रूल बताते हैं, मेरी पटरी गिर जाती है बार बार, देखो इसी में तीसरा रूल। अब ये मान लो फोकस से जाएगी, तो फोकस से ये ऐसे जाएगी, यहां से मिला लिए फोकस पर, ये आ गई। अब इसे नाप लेंगे कितना है, उतने नाप यहां पर भी होगा। अब इसको जब यहां कहीं निशान ले लेंगे, इतने नाप के बराबर कहीं पर भी लगा लो, उसी पर से तो लेके जाना है। अब इसको मिलाएंगे तो ये यहां से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर बन जाएगा। तीनों रूल हमने इसमें लगा रखे हैं, बनाने के लिए कोई दो रूल चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा, और अपने आप अपलोड होने के बाद एक बार फिर से देखो, नहीं आता है दोबारा फिर से देखो, नहीं आता है तिबारा फिर से देखो, और उसके साथ आपको आपकी किताब की कसम है आप इसको पढ़ेंगे, रात भर फिगर बनाएंगे। कल संडे है ना, ना कोचिंग आना है ना लाइव आना है, कल तो सारी छुट्टी है, ना स्कूल आना है, तो आप रात भर आज प्रतिबिंब बनाने की प्रैक्टिस कर डालिए। बड़ी बेइज्जती होती है ना, आप बारहवीं में पढ़ते हैं लाइन खींचनी नहीं आती ऐसे, आज मैंने देखा कुछ लोग ऐसे फिगर बनाए, ये रहा लेंस, ठीक है, इसकी भी कोई गोलाई का पता ही नहीं है, लेंस कहां है, और मतलब सॉरी ये तो दर्पण हो गया, अब लेंस बना रहे हैं तो इसको ऐसे बना दे रहे हैं, इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस बना रहे हैं तो ऐसे कर दिए, ये उत्तल लेंस है, अब यहां से लाइन खींच रहे हैं, ये चित्र ऐसा है, इसको यहां से जहां से मन कर रहे हैं वहीं से मोड़ दे रहे हैं, पता लगा इसको ऐसे ले जा रहे हैं। बताओ प्रकाश की किरण है, तुम्हारे घर की पाइप थोड़ी है, तार वायर थोड़ी है मुड़ रहा है, अब प्रकाश की किरण आप लेके जाते हो, सोचो कितना प्रकाश की इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो उसको बेचारे को, अब इसको ऐसे मोड़ देते हो जहां से मन, कुछ देर सोचे कहां से ले जाएं कहां से ले जाएं, तो मन किया कि इसको यहां से ले जाते हैं, अरे ऐसे थोड़ी जाता है, उसके अपने रूल्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सोमवार तक आपको प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा। फिर मिलते हैं सोमवार की लाइव क्लास में, कल छुट्टी रहेगी लाइव क्लास की, क्योंकि बेटा हम भी थक जाते हैं, एक दिन बीच में रेस्ट चाहिए, इसलिए कल लाइव क्लास की छुट्टी रहेगी। आप अच्छी तरीके से नियमों को फार्मूले को दोहराएंगे, फिर हम आपको एक एक न्यूमेरिकल बताएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।